काशीपुर में किसान नेता अवतार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने एमएसपी की गारंटी न दिए जाने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। शुक्रवार को सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर और किसान की गोली मारकर की गई हत्या के विरोध में काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर किसान नेता अवतार सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका और दोनों मंत्रियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। भैया, हमारे किसान लोग पंजाब से चल के दिल्ली जाना चाह रहे थे एमएसपी की गारंटी के लिए, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक हफ्ते से हमारे किसानों को पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर रोक रखा है और परसों एक नौजवान किसान की गोली मारकर उन्होंने निर्मम हत्या कर दी, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम लोगों ने उसी के उपलक्ष्य में यहाँ आज पुतले जलाए हैं। आप पूरे देश में आज अमित शाह, खट्टर और ब्रिज के पुतले जलाए जा रहे हैं और आज उनको ये संदेशा दिया जा रहा है कि हमारी एमएसपी की गारंटी दे दो, नहीं तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन किसान और मजदूर मिलकर करने जा रहा है। वो आपसे संभले से संभलेगा नहीं मजदूर और किसान। आज ज़रूरत है इसकी एमएसपी की। आज हमारी फसलों का दाम किसी भाव नहीं मिल रहा। धान जो 2100 रुपए की एमएसपी थी 1500-1600 रुपए में किसानों ने बेचा और लेकिन बार बार तमाम ये मीडिया के गोदी मीडिया के लोग ये कहते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि 17 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आएगा, लेकिन आज तक जो एमएसपी पे खरीद की गई है वो 5% से ज़्यादा नहीं की गई है। हम कह रहे हैं अगर 10% भी सरकार करेगी और 90% दूसरे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में करेंगे तो 10% कितना होता है? 17 करोड़ का 10% होता है 1 करोड़ 170 करोड़। ऐसी सरकार की हम घोर निंदा करते हैं और ऐसी सरकार को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज तक किसान और मजदूर को बार बार लूटा गया, मेहनतकश लोगों को लूटा गया, उनकी मेहनत को लूटा गया, लेकिन आज जिस तरह से मोदी सरकार ने कानून बनाए हैं, यदि ये सारा का सारा अनाज इन पूंजीपतियों के गोदामों में चला जाएगा तब उसके दाम 5 गुना हो जाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।